स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स टूडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस डिविजन ऑफ पॉलीनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स बाय द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। सो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। डिविजन ऑफ पॉलीनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स यानी कि बहुपद में त्रिपद का भाग कैसे देते हैं, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वीडियो हम टोटल आपको दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है ये पॉलीनोमियल्स है, इस पॉलीनोमियल्स में आपको इस ट्राइनोमियल्स का डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे किया जाता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे पहला काम आपको ये करना होता है कि यहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स दे रखा है, इस पॉलीनोमियल्स के जो वेरिएबल होगी उसकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो वेरिएबल लिखे रहेंगे और यहाँ पे जो आपको पॉलीनोमियल्स दिए हैं मोनोमियल हो सकते हैं, बायनोमियल हो सकते हैं और ट्राइनोमियल हो सकते हैं, पावर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अगर यहाँ पे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे भी लिखना पड़ता है और साथ में यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। इसके बाद हमें जो करना रहता है वो ये करना रहता है कि जो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमको फर्स्ट टर्म दिया होता है इनको हम देखते हैं। जैसे कब हमको इसका टेबल पढ़ना है, एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, एक्स स्क्वायर का टेबल कितना टाइम पढ़े कि हमारा आ जाए एक्स पावर नाइन। जैसे आपको टेबल पढ़ने की बात आए यानी कि एक्स स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई कर दे कि एक्स पावर नाइन आ जाए, यानी सिंपल सा हो गया कि एक्स स्क्वायर में आपको क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स पावर नाइन आ जाए, तो आप सीधा क्या करेंगे जो लाना है उसमें डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका हमको टेबल पढ़ना होता है, डायरेक्ट एक्स पावर नाइन में डिवाइड कर देंगे एक्स पावर टू का, तो कितना आ जाएगा यहाँ देखेंगे। सेम वेरिएबल होने पर पावर को सेपरेट कर दिया जाता है डिवाइड वाले रूल में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स पावर नाइन माइनस टू, कितना हो जाएगा एक्स पावर सेवन हो जाएगा। हमें क्या पता चल गया कि एक्स स्क्वायर का टेबल हमने एक्स पावर सेवन टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स पावर नाइन आ जाएगा, और साथ ही साथ जब इसका टेबल आप इसके साथ पढ़ रहे हो तो इसका भी टेबल आपको इतने ही टाइम पढ़ना पड़ेगा और इसका ही टेबल इतने टाइम आप पढ़ेंगे, तो जितना आएगा सेम वेरिएबल सेम पावर के नीचे ही वैल्यू को लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी के नीचे लिखते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे टेबल इतना टाइम पढ़ेंगे तो ये माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है और एक्स पावर वन है और एक्स पावर सेवन है, कितना हो जाएगा एक्स पावर एट हो जाएगा, यानी कि माइनस का एक्स पावर कितना हो जाएगा एट हो जाएगा। अब साथ साथ इसका भी टेबल पढ़ेंगे तो प्लस 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 एक्स पावर सेवन हो गया, ठीक है। क्या करना है माइनस करना, जब आप माइनस करने जाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है सेम वेरिएबल सेम पावर में एड हम सेपरेट कर सकते हैं, एड हो रहा होगा तो एड करते हैं और सेपरेट हो रहा होगा तो सेपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है या कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि एक्स पावर नाइन में से एक्स पावर नाइन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो एक्स पावर एट है और साथ ही साथ ये माइनस और प्लस है, यानी माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस यानी घटाया जाएगा, एक्स पावर एट में से एक्स पावर एट को घटा देंगे कितना हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपको देखेंगे प्लस माइनस माइनस यानी कि एक्स पावर सेवन दे रखा है और ये पे एक्स पावर सेवन, यानी एक्स पावर सेवन में से आपको एक्स पावर सेवन माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग जो टर्म हमारे पास बचे हुए हैं उनको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके बाद में हम आगे प्रोसीड करते हैं। बचे हुए हैं माइनस थ्री एक्स पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स पावर फाइव माइनस थ्री एक्स पावर फोर बचा हुआ, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पूरा पूरा कॉपी कर सकते हैं, बट अभी हम थ्री टर्म यहाँ पे है तो थ्री टर्म यहाँ पे भी हम कॉपी करेंगे। तो आप जैसे ही ये टर्म को कॉपी करते हैं इसके बाद में आपको वापस प्रोसीड क्या करना है, आपको वापस से एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है। अब आपको एक्स स्क्वायर का टेबल कितना टाइम पढ़ना है कि आपका क्या आ जाए माइनस थ्री एक्स पावर सिक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको टेबल कितना टाइम पढ़ना है, हम आपको बताया कि माइनस थ्री एक्स पावर सिक्स है, इसी में आपको एक्स स्क्वायर का टेबल दे देना है, डिवाइड दे देना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस थ्री एक्स पावर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, यानी कि अब आपको जो टेबल पढ़ना है कितना बार पढ़ना है माइनस थ्री एक्स पावर फोर टाइम पढ़ना है, स्क्वायर का टेबल आपको पढ़ना है माइनस थ्री एक्स पावर फोर टाइम पढ़ना है, तो आपको आ जाएगा माइनस थ्री एक्स पावर सिक्स आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसका भी टेबल पढ़ना है इतना टाइम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स पावर फोर है तो एक जोड़ के कितना हो जाएगा एक्स पावर फाइव हो जाएगा, साथ ही साथ आपको इसका टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स पावर फोर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको वापस से जब माइनस करने जाएंगे तो साइन नीचे वाली चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे वापस से वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस यानी कि घट जाएगा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ प्लस माइनस माइनस घट जाएगा यहाँ पे भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ आपको पता है माइनस है प्लस है, थ्री एक्स पावर फोर है, थ्री एक्स पावर फोर है, ऐड करेंगे सेपरेट हो रहा है, सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टर्म है उनको कॉपी करते हैं, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया था, अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने सब आप बचे हुए सारे टर्म को हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए फाइव एक्स पावर थ्री माइनस थ्री फाइव
सॉरी यहाँ पे 5x पावर 2 प्लस 5x माइनस 10 है। ऐसे ही आप यहाँ पे सारे टर्म को कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद में वापस से आपको टेबल पढ़ना होता है, यानी कि आपको एक स्क्वायर का टेबल इतना टाइम पढ़ना है कि आपको 5x पावर 3 आ जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा, 5x पावर 3 में आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे 5 और x बच जाएगा, यानी कि आपको 5x बार टेबल पढ़ना पड़ेगा। किसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा प्लस 5x टाइम। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5x पावर 3, यानी कि आप एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे 5x टाइम, तो कितना आ जाएगा, 5x पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद में इसका टेबल पढ़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आपको 5 भी दे रखा है तो 5x स्क्वायर हो गया, और साथ में प्लस प्लस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद हमें वापस क्या करना है, माइनस करना है। जब आप माइनस करने जाते हैं और साइन नीचे वाला सारा चल, यहाँ पे आपको देख रहा है 5x पावर 3 और ये माइनस का 5x पावर 3, सेम वेरिएबल सेम पावर में वैल्यू 8 सबट्रैक्ट हो जाती है, तो ये सबट्रैक्ट हो जाए कितना हो गया, ये 0 हो गया। साथ ही साथ इसको आप देखेंगे कितना बचा है, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 0 और ये भी कट जाएगा, आपको यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, रिमेनिंग टर्म जो हमारा बचा था वो माइनस का 10 बचा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू बचा हुआ है क्या बचा हुआ है, माइनस का 10 बचा हुआ है। तो ये जो 10 बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप जितना टाइम टेबल पढ़ते थे वो ये वाली वैल्यू जो होगी ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आई है, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है इसको हम बोलते हैं, ये होता है डिवीज़र। ठीक है, ये क्या होता है, डिवीज़र होता है, और ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू का नाम क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है, यानी कि अगर आपको चेक करने की ज़रूरत पड़े कि भाई हमने ये जो क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है या गलत है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको ये डिविडेंड लाना है, डिविडेंड का फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो डिविज़र है, डिविज़र इसको हम लिख देते हैं डिविज़र, डिविज़र में आप क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पे डी का मतलब होता है, ये डी लाना है, अगर आपको ये डी का मतलब क्या हो गया, ये डिविडेंट है। ठीक है, ये डिविडेंट है और ये डिविज़र दे रखा है। ठीक है, और एक क्यू है, क्यू मतलब होता है क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करना है कि आपका सही है या गलत है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपको डिविडेंट लाना है, डिविडेंट लाने के लिए आपको क्या करना रहता है, डिविज़र का क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, ये डिविडेंट आ जाता है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, यहाँ पे आपको पॉलीनोमियल्स दे रखा है, इस पॉलीनोमियल्स में आपको इस ट्राइनोमियल्स का डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे आपको पहला काम क्या करना रहता है, पहले आपको चेक करना रहता है कि यहाँ पे जो आपको पावर दे रखी है वेरिएबल की, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। देखिए यहाँ पे भी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको वेरिएबल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ये काम करने के बाद हमें क्या करना रहता है, जो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है और यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है, इसका हमें यहाँ वाली वैल्यू का हमको टेबल पढ़ना रहता है, इतना टाइम टेबल पढ़ना है कि हमको एक्स पावर 18 आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप सीधा सिंपल सा ऐसा समझ लो कि एक्स पावर 4 में आप क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आपको एक्स पावर 18 आ जाए। अगर आपको ऐसा पता करना रहे तो आप क्या करेंगे, एक्स पावर 18 में आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे एक्स पावर 4 का, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें किसका मल्टीप्लाई करना है एक्स पावर 4 में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको पता है कि सेम वेरिएबल सेम पावर में वेरिएबल की पावर को सेपरेट कर दिया जाता है डिवाइड के रूल में। तो यहाँ पे देखिए एक्स पावर 18 है, इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 14 आ जाएगा। यानी कि हमको सीधा सिंपल से क्या पता चल गया है, अगर एक्स पावर 4 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं कितना टाइम, एक्स पावर 14 टाइम पढ़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर 18 आ जाएगा, यानी कि एक्स पावर 18 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक्स पावर 4 का टेबल आप कितना टाइम पढ़ेंगे, एक्स पावर 14 टाइम, तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स पावर 18 आ जाएगा, चले जाएंगे। देखिए अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 14 है, तो यहाँ पर एक्स पावर 2 है, कितना हो जाएगा, एक्स पावर 16 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम माइनस करने जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस करने जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, घटा देना है। घटाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू हो गई 0, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया। रिमेनिंग टर्म है उनको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, एक्स पावर 12 प्लस एक्स पावर 10 माइनस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 2। आप चाहे तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट सारे सारे कॉपी कर सकते हैं, या तो आप
3 टर्म आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने x पावर 4 का टेबल पढ़ा, माइनस एक्स पावर 8 टाइम, तो कितना आ गया, माइनस एक्स पावर 12 आ गया। साथ ही साथ अब हमको इसका मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट, माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 2 है और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे एक्स पावर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए, हमें जब माइनस करना है तो माइनस जब करने जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन क्यों चेंज होता है, यहाँ पे ब्रेकेट होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद में क्या करना होता है, माइनस करना रहता है। तब यहाँ पर माइनस करना, जब माइनस करने जाएंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इसी कारण साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम साइन चेंज करके आपको बता रहे हैं, ब्रेकेट जैसे ही हटेगा तो अंदर वाले का साइन सबका चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे एक्स पावर 12 है और यहाँ पे एक्स पावर 12 है। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको सोल्व करते कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ इसको भी सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म कौन कौन से बच गए, इनको कॉपी पेस्ट करते हैं, प्लस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 2। ठीक है, ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग बच गए थे तो इनको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद में देखिए काम करते हैं, हमें वापस इसके बाद में क्या करना है, टेबल पढ़ना है, इसको मिटा के। तो अब टर्म कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, वापस हमें टेबल पढ़ना है। अब एक्स पावर 4 का टेबल कितना टाइम पढ़ें कि कितना जाएगा, एक्स पावर 6 आ जाएगी। एक्स पावर 6 लाना है तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एक्स पावर 4 का डिवाइड कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, एक्स पावर 2 आ जाएगा। यानी कि एक्स पावर 4 का टेबल आपको कितना टाइम पढ़ना है, एक्स पावर 2 टाइम पढ़ना है, एक्स पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस प्लस प्लस, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद में क्या करना हो, सबट्रैक्ट करना है। जैसे आप सबट्रैक्ट करने जाएंगे, यहाँ पे साइन प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। देखिए यहाँ पे घटा देंगे तो सबट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे सब। एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 6 है, सेम वेरिएबल सेम पावर, वेरिएबल सेम पावर में एड सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे घट रहा तो घटा दिया, एक्स पावर 6 में से एक्स पावर 6 घटा देंगे तो 0 होएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कटने के बाद। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेम पावर में एड और सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल का। ठीक है, पावर 2 में से एक्स पावर 2 को माइनस कर दिया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, ये आ गया रिमाइंडर 0। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कितना आ गया, एक्स पावर 14 माइनस एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 2, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ डिवीजर क्या है, एक्स पावर 4 है माइनस एक्स पावर 2 और प्लस 1 है। अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको ये डिविडेंट लाना है तो डिविडेंट लाने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंट यानी कि ये अगर मैं इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूँ, अगर ये डी बराबर लाना है, ये कैपिटल डी लाना है, तो आप क्या करेंगे, ये डिवीजर है। ठीक है, ये डिवीजर, डिवीजर में आप क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन मतलब ये क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ ही साथ ये जो रिमाइंडर है, आप रिमाइंडर जोड़ देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अगर आप डिवीजर में इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हो और साथ ही साथ रिमाइंडर को ऐड कर देते हो, तो आपका अगर ये वैल्यू आ जाता है तो आप बोल देंगे कि आपका जो क्वेश्चन किया हुआ है वो सही है, नहीं तो आप ये बोलेंगे कि आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो गलत है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने आपको ये डिस्कस करके बताया किसी भी पॉलीनोमियल्स में आप ट्राइनोमियल्स का डिवाइड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे वेरिएबल का बोर्ड मास का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, मैं आपको वो सोल्व करके बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।